हरे कृष्ण गाइस, हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की आपको ढेर सारी बधाई। मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में ये बताया था, अभी लास्ट वीडियो में, क्या चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए जन्माष्टमी पे, व्रत जब हम रात को 12 बजे ओपन करते हैं ना, या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं रात को 12 बजे हमें क्या करना चाहिए। पहले हमें भगवान का अभिषेक करना बहुत जरूरी है। अभिषेक किससे कर सकते हैं? पंचामृत से कर सकते हैं, कोकोनट वाटर से कर सकते हैं, और आप लोग फ्रूट जूसेस से भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रूट जूसेस टेट्रा पैक वाले ना हो, बिकॉज उसके अंदर केमिकल होते हैं हार्मफुल, जो मेरे हिसाब से भगवान को अभिषेक करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोग फ्रेश जूस घर में ही निकालिए, बाहर से भी मत लाना। अभी बाहर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कोरोना अभी पूरे तरीके से गया नहीं है। तो अपना अपना ध्यान रखिए और अपने घर पर ही रहिए, ठीक है। और घर का ही प्लीज खाइए, बाहर मत खाइए अभी। तो आप लोग भगवान का ऐसे अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करके भगवान की आरती करो रात को 12 बजे, और आरती करके उन्हें अच्छा सा रेडी करके, बहुत अच्छा ड्रेसअप करके आप लोग प्रसाद भगवान को भोग लगाओ, और प्रसाद खुद पाना है। लेकिन आप लोग क्या करेंगे? अर्घ देंगे इससे पहले भगवान को। बहुत सारे लोग अर्घ देंगे, क्या आप लोगों को कुछ इसका मतलब पता है कि अर्घ क्यों देते हैं? चंद्रमा को अर्घ देने का मतलब क्या है? क्यों अर्घ दिया जाता है चंद्रमा को जन्माष्टमी पर रात को 12 बजे? तो मैं आप लोगों को बता दूं, चंद्रमा को अर्घ नहीं देना है। चंद्रमा को अर्घ नहीं देना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी मतलब फास्ट जब आप ओपन कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है चंद्रमा को अर्घ देने का। बिकॉज चंद्रमा का श्री कृष्ण से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, जन्माष्टमी से कोई रिलेशन नहीं है। ये किसी ने कहा, सब लोगों ने किसी को पहुंचाया, व्रत कैसे रखते हैं, किसी ने उसमें रूल बना दिया, एक बता दिया, फिर किसी ने इसको आगे बताया, फिर आगे बताया। तो ये चलता आ रहा है कि अर्घ देना है। चंद्रमा को अर्घ आपको नहीं देना है, क्योंकि श्री कृष्ण परम भगवान है, वही सुप्रीम पर्सनालिटी हैं, उनके आगे चंद्रमा वगैरह कुछ नहीं है। जब आपने भगवान को अभिषेक कर दिया, भगवान को भोग लगा दिया, तो दैट्स इट, इतना ही काफी है। आप लोगों को चंद्रमा को अर्घ मत देना। अगर कहीं से पता चलता है तो उनको भी प्लीज समझाना, और ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर करना, ताकि उनको पता चले कि हमारे, और हाँ, अगर वो कहें ना तुम्हें किसने कहा, तो हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी से पहले अर्घ का कोई मतलब नहीं है। हमारे ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जो भगवान की पूरी पूजा विधि बताई हुई है ना कि कैसे करनी है, उसमें कहीं पर भी प्रमाण नहीं है शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, कि आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। तो आप लोग उन्हें बता देना, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा बुरा ना लगे। मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, जिसकी अपनी इच्छा है, अगर कोई करना चाहता है तो करो, अदरवाइज हमारे शास्त्रों में प्रमाण नहीं है इसका, कोई चंद्रमा से मतलब नहीं है, जन्माष्टमी का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग रखिए अपना अपना ख्याल। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। अभी आप लोग को जो भी अगर क्वेरी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज नीचे मेरा इंस्टा हैंडल मिल जाएगा, वहां जाके मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट है चंद्रमा को अर्घ देना है या नहीं देना है, ठीक है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं अगेन। आप लोग अपना अपना ध्यान रखो। हरे कृष्णा।